Hello students, welcome to the recall session of forensic medicine. First of all, I hope aap logo ka exam acha gaya, and I personally wish all of you best of luck. Hopefully aap sabka result acha hi aayega. Now, as we all know, it's a very early recall session. आज के जो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें बिकॉज ऑफ द यू नो फास्ट रिकॉल कुछ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग में कुछ ऑल्टरेशन हो सकती है, कुछ चॉइसेस अभी पूरे नहीं आए हैं, बट आई स्टिल वांटेड टू सिट एंड टॉक विद यू सो दैट वी कैन सी कि कौन कौन से एरियाज हैं फोरेंसिक मेडिसिन के जहाँ पर हमारे 28 जैन के FMG एग्जाम में क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं. एक कंसाइज्ड रिकॉल, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉल विल लेटर ऑन फॉलो. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज देयर इज अ मेंटली इल प्रेग्नेंट फीमेल हु विल गिव कंसेंट फॉर MTP. द आंसर इज वेरी सिंपल. As per MTP Act, MTP consent has to be given by female. MTP Act कहता है कि अगर MTP होनी है तो MTP का consent female देगी, किसी और के कंसेंट की जरूरत नहीं है. बट हमारे क्वेश्चन में एक हाईलाइट क्या है, दैट दिस इज अ मेंटली इल फीमेल. इट्स अ मेंटली इल फीमेल. यहां पर एक्ट की गाइडलाइंस क्या है, यहां पर एक्ट की गाइडलाइंस है दैट इट हैज टू बी गिवन बाय हर लीगल गार्डियंस. यानी कि जहां पर मेंटल इलनेस है वहां पर कंसेंट गार्डियंस देंगे, मेंटली इल का कंसेंट वैलिड नहीं होगा. सो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लीगल गार्डियंस. ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने बताया कि इसमें और भी कुछ ऑप्शंस थे, हर पार्टनर, शी हरसेल्फ, ट्रीटिंग डॉक्टर. तो ट्रीटिंग डॉक्टर तो कंसेंट दे ही नहीं सकता, शी हरसेल्फ कैन नॉट गिव बिकॉज ऑफ हर मेंटल इलनेस एज यू अंडरस्टैंड. हर पार्टनर, वी डोंट नो वेदर हर पार्टनर इज हस्बैंड और नॉट, सो वेदर हर हस्बैंड कैन बी कॉल्ड एज हर लीगल गार्डियन इफ ही इज अवेलेबल. But if we go by the law, the amended MTP Act 2021 specifically says in one of its clause that if a female is mentally ill, the consent has to come from guardians. और जो कि हमारे option में दिया हुआ choice था, यही correct answer रहेगा. Next question देखते हैं. Again from pregnancy. 22 weeks pregnant female, pregnancy because of contraception failure. So यहाँ पर highlighted point क्या है, pregnancy is because of contraception failure. Comes for abortion or I should say termination of pregnancy. According to amended MTP Act, what can be done? The options are two doctors' opinion are required for MTP. Pregnancy can be terminated if fetal anomaly. MTP can be done on permission of superintendent of hospital. और MTP कैन बी डन ऑन परमिशन ऑफ मेडिकल बोर्ड. तो अगर हम इस क्वेश्चन का डिसेक्शन देखें, अमेंडेड MTP एक्ट 2021, ओके, व्हाट डज इट से, इट सेज दैट MTP कैन बी डन till 20 weeks, but in certain special category female, special category female, it can be done till 24 weeks, okay, and beyond 24 weeks only
इफ फियर ऑफ सब्सटेंशियल फीटल मैलफॉर्मेशंस। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी है कि नॉर्मली 20 वीक्स तक कर सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी में 24 वीक्स तक का अलाउंस आ गया है, एंड बियॉन्ड 24 वीक्स अगर प्रोग्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज गोइंग टू डेवलप अ फीटस व्हिच इज हैविंग सब्सटेंशियल फीटल मैलफॉर्मेशंस। ठीक है, इन तीनों ही कैटेगरी में कौन कर सकता है, परमिशन कैसे आएगी? If it has to be done till 20 weeks, one doctor can decide and do the procedure. Special categories of females, that is from 20 to 24 weeks, consensus of two doctors. यहाँ पर दो डॉक्टर का consent का जरूरत है, and beyond 24 weeks, ये परमिशन आएगी मेडिकल बोर्ड से। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्रोविजन है। अब ये देखते हैं स्पेशल कैटेगरी फीमेल्स जो हमने यहां पर हाईलाइट करी है, हु आर दीज स्पेशल कैटेगरी फीमेल्स, राइट? सो हु आर दीज स्पेशल कैटेगरी फीमेल्स वेयर द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अप टू 24 वीक्स? नंबर वन, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ विडोहुड और डाइवोर्स, राइट? वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, देन मेंटली इल वुमेन इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, the fetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life, or the child is born, it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped. इस केस में भी हम स्पेशल कैटेगरी फीमेल मानेंगे उसको। वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स और डिजास्टर और emergency situation as may be declared by the government, ye bhi special category hai, right? So if we go back to our question, what do we find? Is there a special category? Kyunki basically pregnancy is a contraceptive failure se hui hai, which means she could have terminated her pregnancy up to 20 weeks, but abhi wo 22 weeks ki hai, so kya ye MTP ho sakti hai abhi? तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड इफ देर इज सब्सटेंशियल फीटल एनोमली एंड इफ इट हैज टू बी टर्मिनेटेड द कंसेंसस ऑफ टू डॉक्टर्स विल बी नीडेड, राइट? एंड दैट इज आर करेक्ट ऑप्शन। सो इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइट? इफ शी लैंड्स अप बीइंग अ स्पेशल कैटेगरी फीमेल, it can be done, otherwise it cannot be done, right? Let's move to next question. Next question is, to identify dried seminal fluid on handkerchief, which test is best? So char option diye hue hain, precipitin, acid phosphatase, barbarios and fluorescence test. So precipitin aur fluorescence to seminal detection ke liye use hi nahi hote, ye to hum apni class mein bhi padhte hain। ठीक है, तो हमारे पास में कौन कौन से टेस्ट हैं जो सेमिनल डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं? एक बारबेरियोस है, एक फ्लोरेंस टेस्ट है, फ्लोरेंस टेस्ट, और एसिड फॉस्फेटेस भी यूज होता है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ सीमन भी यूज होता है। यहाँ पर दो दिए हुए हैं, एसिड फॉस्फेटेस एंड बारबेरियोस टेस्ट, बट साथ में हमें क्या दिया हुआ है? इट्स अ ड्राइड सेमिनल फ्लूइड ऑन हैंडकरचीफ, जिसमें एक्सपेक्टेंसी क्या है? एसिड फॉस्फेटेस लेवल्स आर गोइंग टू बी इक्विवोकल एज द स्टेन बिकम्स
होल्ड, एसिड फॉस्फेटेस लेवल धीरे धीरे गिरते रहेंगे, राइट। ऑल्दो एसिड फॉस्फेटेस लेवल्स फ्रेश सीमन में बहुत हाई होते हैं, मोर देन 100 बोडेंस की यूनिट, वी कंसिडर इट एट सीमन ओनली, ठीक है। बट ड्राइड स्टेन है, कुछ समय पुराना हो गया, इसमें बेटर टेस्ट क्या रहेगा, टू डू अ बारबेरियोस टेस्ट। बारबेरियोस टेस्ट क्या आइडेंटिफाई करता है, बारबेरियोस टेस्ट आइडेंटिफाइज परमिन पिक्रेट क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोपिकली, राइट। तो करेक्ट आंसर इस चॉइस में रहेगा बारबेरियोस टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर स्नेक बाइट, द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट प्रॉब्ली वर गिवन नॉर्मल। यानी कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ के मुझे तो ये लगता है वाइटल्स आर नॉर्मल मीन्स पेशेंट हॉस्पिटल आ चुका है, बेस्ट नेक्स्ट मैनेजमेंट का स्टेप क्या होगा। सो इमोबिलाइजेशन तो नहीं होगा, क्योंकि इमोबिलाइजेशन इज समथिंग जिसको करके आपको स्नेक बाइट साइट से हॉस्पिटल तक लाना होता है। इमोबिलाइजेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एट द स्नेक बाइट साइट, सो दैट पेशेंट कैन बी ब्रॉट टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। हॉस्पिटल में आने के बाद क्या चीज करनी चाहिए, एंटी स्नेक वेनम इज द बेस्ट थिंग टू बी डन इफ द बाइट इज पॉइजनस। बट हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट वाइटल्स आर नॉर्मल, विच मीन्स डजंट लुक टू बी अ पॉइजनस स्नेक बाइट। इस केस में द बेस्ट थिंग टू डू इज रीअश्योर, क्लीन द वाउंड एंड ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर 24 आवर्स। तो ये ऑप्शन हमें कहां दिया हुआ है, ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज रीअश्योरेंस एंड वॉश द एरिया। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला वॉश द एरिया भी था, कुछ स्टूडेंट ने बोला रीअश्योरेंस के साथ में कुछ और लिखा हुआ था, बट द बेस्ट पॉलिसी इन दिस केस इज वेयर इट लुक्स टू बी अ नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट इज रीअश्योरेंस एंड ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स, राइट। सो जिस तरीके की फ्रेमिंग के साथ ये क्वेश्चन आया है, दिस लुक्स टू बी द बेस्ट आंसर राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमीटर ऑफ अ गन इज मेजर्ड बाय, राइट। किस तरह की गन है, राइफल्ड वेपन है, स्मूथ बोर वेपन है, ये रिकॉल में ठीक से नहीं पता चल पाया, या प्रॉब्ली इसी तरीके का क्वेश्चन फ्रेमिंग आया था कि डायमीटर ऑफ गन किस तरीके से मेजर होता है। सो चॉइसेस को देखते हुए लगता है इट लुक्स टू बी अ राइफल्ड वेपन, ठीक है। राइफल्ड वेपन क्या होता है, हम अपनी क्लासेस में देखते हैं, वेपन जिसके बैरल में इस तरीके की मेटालिक स्कोरिंग होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं राइफलिंग, और जिन वेपन्स में राइफलिंग होती है दोज आर कॉल्ड एज राइफल्ड वेपन। सो इफ वी कट दी बैरल ऑफ द वेपन, इफ यू डू अ सेक्शन ऑफ द बैरल, तो वो हमें दिखेगा कैसे, अगर आप देखोगे तो कट सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर मेटालिक स्कोरिंग्स की वजह से इस तरीके की मार्किंग्स होंगी, राइट। ओके, दीज आर कॉल्ड एज लैंड्स, एंड दो लैंड्स के बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ग्रूव। ओके, नाउ अगर आप इस बैरल के अंदर मैक्सिमम परमिसेबल डायमीटर देखो, यानी कि कौन सी चीज इस बैरल के अंदर से अंदर बाहर आ जा सकती है, तो वो स्पेस कौन सा है, वो स्पेस है दिस स्पेस, दिस इज द स्पेस विच इज द मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर, विच इज द स्पेस बिटवीन two
ऑपोजिट लेंस, ठीक है ना। तो हम डायमीटर गन का कैसे देखते हैं, हम देखते हैं इट इज डिस्टेंस बिटवीन अ लैंड एंड अनदर लैंड विच आर डायगनली ऑपोजिट। सो दो डायगनली ऑपोजिट लैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो परमिसिबल डायमीटर है गन का। सो आई एम होपिंग कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही फ्रेम हुआ है, जहां पर दे वॉन्टेड टू आस्क कि वो जो स्पेस है, वो जो परमिसिबल डायमीटर है, वो कैसे मेजर करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डायगनली ऑपोजिट लैंड्स। ओके ओके, लेट्स मूव अगेन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिस फाउंड सम बोन इन ओपन स्पेस, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल बोन। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन सा यूनिवर्सल क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें बोन की स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है, ह्यूमन है या एनिमल है। ऑप्शंस जो मेरे पास आए हैं वो एक ही है, प्रेसिपिटेंट टेस्ट, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रेसिपिटेंट टेस्ट स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है और यही हमारी करेक्ट चॉइस है। इसमें तीन और ऑप्शंस होंगे, बट वो ऑप्शंस अभी पता नहीं चले हैं, हम इलैबोरेटिव डिस्कशन में बाद में करेंगे। ओके, सो राइट नाउ द करेक्ट आंसर इज प्रेसिपिटेंट टेस्ट इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुमन वॉज रेप्ड 2 years बैक, द एक्यूज्ड हैज टू बी गिवन डेथ सेंटेंस, हु कैन गिव डेथ सेंटेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन का अगर क्रक्स देखोगे ना, तो वो क्रक्स जो है वो रेप की पनिशमेंट नहीं है। द क्वेश्चन इज हु कैन गिव डेथ सेंटेंस, हूसोएवर कैन गिव डेथ सेंटेंस इन अ केस ऑफ रेप, दे कैन गिव डेथ सेंटेंस इन एनी अदर क्राइम ऑल्सो वेर एवर डेथ सेंटेंस इज अवेलेबल। रेप के भी कुछ सिचुएशंस में डेथ सेंटेंस अवेलेबल है, ये हम अपनी क्लासेस में बात करते हैं। बहरहाल फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हु कैन गिव डेथ सेंटेंस। हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा हुआ है कौन सा जज या कौन सा कोर्ट डेथ सेंटेंस दे सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्लास 1 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये ऑप्शन था या नहीं था या कोई और ऑप्शन था। दूसरा भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, शायद मैजिस्टेरियल कोर्ट था या कोई और ऑप्शन था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेड कि दो ऑप्शंस मैजिस्टेरियल कोर्ट के थे। तो मैजिस्टेरियल कोर्ट के पास तो पावर नहीं होती डेथ सेंटेंस देने की। मैक्सिमम पनिशमेंट मैजिस्ट्रेट रैंक का जो जुडिशरी है, जो कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, उसके पास होती है 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, तीसरा लोगों ने बताया दी पर्सन वॉज असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज की भी मैक्सिमम पनिशिंग पावर इज अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि असिस्टेंट सेशन जज 10 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, एंड डेथ सेंटेंस इज मोर देन 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। राइट, एलिमिनेशन से भी हमारे पास जो चॉइस बची वो है एसोसिएट सेशन जज, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल। एक्चुअली ज्यादातर लोगों ने एसोसिएट बताया, बट आइडियल चॉइस होनी चाहिए थी एडिशनल, एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज प्रॉपर। ये दोनों ही जजेस जो हैं, दे कैन गिव एनी पनिशमेंट अवेलेबल इन इंडियन लॉ। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी एन एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, या फिर एसोसिएट सेशन जज भी लिखा होगा। सो हो सकता है कि एडिशनल की जगह एसोसिएट उन्होंने लिख दिया हो, बट एसोसिएट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड इज एडिशनल सेशन जज। ओके, तो आई वुड गो विद एडिशनल सेशन जज एज द करेक्ट चॉइस, हु कैन डिलीवर डेथ सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर ब्लास्ट विच ऑर्गन इज मोर अफेक्टेड। बड़ा ही पुराना, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट की। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट अगर एयर में होता है तो यहां पर मोस्ट वल्नरेबल बॉडी ऑर्गन
कौन सा होता है? दिस इज लंग्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर तो लंग है, बड़ा सिंपल। बट एक इंफॉर्मेशन और याद रखेंगे कि बॉम्ब ब्लास्ट अगर अंडर वाटर होता है तो यहां पर मोस्ट वल्नरेबल बॉडी ऑर्गन कौन सा बन जाता है? नाउ इट बिकम्स जीआईटी। ओके, तो अंडर वाटर ब्लास्ट में जीआईटी इज मोर वल्नरेबल, एयर ब्लास्ट में लंग्स आर मोर वल्नरेबल, बिकॉज ब्लास्ट के साथ होता क्या है, प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ब्लास्ट क्या करता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ ब्लास्ट इट सेंड्स कंसेंट्रिक एयर, चारों तरफ एयर को बाहर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट के आसपास का एरिया एज जैसे जैसे हवा फैलती जाती है बाहर की तरफ, उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वो बॉडी ऑर्गन्स जो कि प्रेशर मेंटेन करते हैं बॉडी का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइक ईयर ड्रम्स, लंग, ठीक है, और जीआईटी, ये सारे जो है दे बिकम वल्नरेबल। सो एयर ब्लास्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में ईयर ड्रम की चॉइस नहीं दी हुई थी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, राइट। अगर तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की चॉइस होती तो वो ज्यादा वल्नरेबल होता, बिकॉज उस केस में एयर ब्लास्ट में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पहले रप्चर होती है, लंग इंजरीज बाद में आती है। ओके, तो यहां पर चॉइस लंग था तो हमने लंग का ऑप्शन लिया। अंडर वाटर जीआईटी इज मोर वल्नरेबल एज कंपेयर टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड लंग्स बोथ, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी रिकॉल में मेरे पास आए हैं। एज आई शेयर्ड विद यू अर्लियर, आई वांटेड टू टॉक विद यू, ताकि प्रेजेंटेशन में आपके साथ में शेयर कर पाऊं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। विल वर्क ऑन द इलैबोरेटिव रिकॉल लेटर ऑन एंड वी विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो। एज ऑफ नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स, राइट।